भाई जनवरी में पंखा भाई लंगूर लंगूर माता दी सारे आने स्वागत है आपका वैष्णो देवी के पहले ब्लॉग में। आज ही हमारा वैष्णो देवी का पहला ब्लॉग। आई होप सब सही होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले आगे ब्लॉग के अपडेट आपको मिलते रहे। जय माता दी। ये देखो थैला पड़ा है। सुबह के बज रहे हैं 3। नहाने की तैयारी हो रही है। कब कभी छूट रही है बिल्कुल। ऐसे करके कांप रहे हैं है ना। कपड़े निकाल के जा रहे हैं नहाने ठंडे ठंडे पानी में। इस टाइम हम दोनों लोग दर्शन करके आ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है तो भाई लग रही है ठंड और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 5 क्योंकि हम लोग 4 बजे कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन कर रहे थे है ना। अब थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा दिन निकलेगा मतलब 6 बजे 1 घंटा करीब है ना। उसके बाद फिर चलेंगे सीधे ऊपर भैरवनाथ के मंदिर पे है ना। चलिए जय माता दी। सब पता क्या हुआ, मैंने तो 2 बार दर्शन करे। मतलब एक बार ना वो पंचमे का प्रसाद चढ़ता है ना तो वो ना बैग में रखा रह गया तो दो बार गया मैं फिर है ना। तो मतलब काफ़ी बहुत बहुत अच्छा लगता है ये ना। मतलब वन ऑफ द माई बेस्ट प्लेस में से आता है ये। कुछ नहीं है इसके आगे, सब कुछ यहीं से शुरू है, सब कुछ यहीं से ख़त्म है मेरा। जय माता दी। चल रही है कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं भैरवा वाली। भाई आ चुके हैं अपने ब्रेड पकौड़े और चाय। तृप्ति भाई भोजनालय में ये दुर्गा भवन के पास है तृप्ति भोजनालय है ना। पहले आपको पर्ची कटवानी पड़ती है फिर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। कहीं भी श्राइन बोर्ड की किसी भी कैंटीन में जगह पे पहले पर्ची कटवानी है फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, और फिर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। चले खाते हैं और सुबह के टाइम 6 बजने वाले हैं ना, नहीं 5:30 हो गए। ठीक है भाई चलते हैं इस टाइम है ना। और ही भैरव घाटी वहाँ जाना है वहाँ। चलो भाई चलते हैं ना। भाई आरती चल रही है इस टाइम लेकिन हम शामिल नहीं हो सकते, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे। देखो आरती के टाइम पे लाइन यहाँ तक आ गई है, देखो पूरी यहाँ से हम आते हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ ऊपर। चलिएगा जय भैरव बाबा जय माता दी। भाई देखो एक चीज़ दिखा, मतलब क्या क्या व्यू है सब। ये देखो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। मैंने इससे वीडियो बनवाई और इसने भाई साहब ऐसी बेकार वीडियो बनाई ना बहुत ज़्यादा। हाँ तो करना क्या है वीडियो को अपलोड करनी है। अपलोड कहाँ पे करेगा? इंस्टाग्राम पे। देखता है ना तुझे कोई? जो भी लोग देखते हैं देखते तो हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव घाटी भैरव मंदिर। ये देखिएगा सामने और ये छत। चलिए दर्शन करके आते हैं फिर थोड़ा वीडियो वगैरह यहाँ रुकते हैं। चलिए भाई देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है नहीं है। भाई वंश आ चुका है इस टाइम भैरव बाबा के दर्शन करके। अब मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करके। जय भैरव बाबा जय माता दी। भाई आ चुके हैं भैरव बाबा पे है ना। लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ लग रही है काफ़ी। भाई लंगूर लंगूर दर्शन करके आ चुके हैं इस टाइम। और ये देखो लंगूर लंगूर ये बैठे हैं लंगूर। देखो कितने लंगूर हैं। और बाबा जी की भागूति है। जय भैरव बाबा। भाई अब चल रहे हैं नीचे की तरफ, हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं। जय माता दी। जय माता दी बोलो भाई। ये अपनी चाय आ चुकी है, वन भाई भी चाय पी रहे हैं। वन भाई तो पता नहीं क्यों चाय हर चीज़ को मना करना है खाने पीने को। यहाँ भूख भूख लग रही है भाई। यार चाय भी पेट भरा पड़ा है। हाँ भरा पड़ा है। नहीं भाई जाओ चल रही है इस टाइम नीचे की तरफ ठाक है। तो भाई देखो वो रहा हेलीकॉप्टर उड़ गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया। ये तो स्कैम हो गया तगड़ा। तो भाई इस टाइम आ चुके हैं हम हाथ मत्थे पे, फोटो वोटो खींचेंगे यहाँ पे, रील वगैरह बनाएंगे फिर चलेंगे नीचे की तरफ। ठीक है हाँ। और यह बंस भाई
फोटो खिंचवाने के लिए, चश्मा इनका टूट गया था, जुगाड़ करवा। ये देखिए खाली मली पोज दे रहा, खाली मली। ठीक है भाई चलिए तो अभी जो फोटो वोटो खींचते हैं फिर चलते हैं। यहाँ प्रसाद भी खाएंगे है ना, थोड़ी सी दूर प्रसाद मिलता है हलवे और चने का। तो भाई चलते हैं अब यहाँ से, ठीक है, बहुत देर फोटो वोटो खींच ली, वीडियो बना ली, अब चलते हैं भाई। यहाँ मिलता है हलवे का प्रसाद, लाइन में लग के, लाइन में लगना पड़ता है। चलिए बंद भाई तो चश्मा उतार ही नहीं रहे हैं। अरे 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 चलो चलो प्रसाद प्रसाद खाते हैं फिर मिलते हैं। भाई देखो ये रहा बाबा का प्रसाद, हलवा और उसका जो मिलता है बंसवाड़ी का ना, जो कि बहुत अच्छा होता है, ये बहुत खराब होता है, जब भी आते हैं खा के जरूर जाते हैं। भाई देखो सैंडविच ले लिया है बंस भाई ने, ये एक दो नहीं तीन लिए हैं पूरे। किसके हाथ में है देखो, किसके हाथ में है, ये कौन ले रहा है ये देखो। ये तो भाई मैंने लिया तो मैं तो खाऊंगा अभी, ठीक है बढ़िया। भाई हम पहुंच चुके हैं मर्दुकारी, आप पीछे देख ही रहे हो, मेरे पीछे मर्दुकारी का रास्ता है। हम लोग इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत पहले इसमें हुआ है ना, इस वजह से हम इसकी पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटवाते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे नीचे की तरफ। इस टाइम करीबन 12 बजने वाले हैं, चलिए फिर चलें। भाई अर्थकारी से चल दिए नीचे की तरफ, काफ़ी थोड़ा बहुत थोड़ा सा आराम करता, कुछ खाया भी यानी है ना, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी इस वजह से। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। जय माता। बंस भाई कुछ ले रहे थे, मैंने सोचा हम भी कुछ ले लें, तो हमने ले लिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भाई एक बता दूं, एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे, मतलब पहले मैंने तो हरिद्वार ऐसी केस में देखा था, यहाँ भी देख लिया आप पहली बार। कुछ लोग होते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया, ये हो गया, फिर पैसे मांगते हैं, वो नहीं देना ठीक है। हम महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, यहाँ से मेरा पर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उन्हें ना दे कृपया करके ठीक। भाई देखो कितनी धीरे धीरे आ रही है, रेंग रेंग आ रही है, बिल्कुल रेंग रेंग का, बिल्कुल रेंग रेंग, थोड़ा बहुत तेज नहीं आ रही है। भैया बंस भाई गए थक बिल्कुल, और हम आ गए इस टाइम चरण पादुका मंदिर पे, है ना, सीढ़ियों सीढ़ियों से। अब नीचे जाने की तैयारी है, बंस भाई कह रहे हैं बैठ जाओ, हम कह रहे हैं चल लो, ये कह रहे हैं बैठ जाओ, हम कह रहे हैं चल लो, हम कह रहे हैं। भाई ये रास्ता देखो, ये चरण पादुका मंदिर है, ये सीढ़ियाँ हैं, सीधे नीचे रुकेंगे डायरेक्ट बाण गंगा पे। अब हम इसी से जा रहे हैं और इसी से आ रहे हैं। भाई जनवरी में पंखा, बंस भाई तुम्हें लग रही है गर्मी ना, ये देख रहे भाई जनवरी में पंखा, सच में भाई चढ़ते हो उतरते गर्मी लग रही है। यहाँ धूप देख रहे हो, अच्छी खासी धूप निकल रही है यहाँ पे, मतलब बहुत ठीक ठाक लग ही नहीं रहा कि जनवरी है। भाई उतर जाए सामने रही बाढ़ गंगा, उतर जाए भाई, उतर जाए पूरा नीचे, फाइन कर दिया, अब रूम की तरफ जा रहे हैं चढ़ के। चलिएगा जय माता दी। हम ना इस पार्क में बैठा करते थे जब पहले आया करते थे, अब बैठते नहीं हैं, अब सीधे रूम और बस सो जाना। भाई फाइनली आ गए हैं कटरा मार्केट में, अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखो एक बार आ गए हैं ना, थोड़ी देर में रूम पे पहुंचते हैं, फिर ड्रेस वगैरह, मतलब ये ड्रेस कह रहा हूँ, बैग वगैरह रखते हैं है ना, लॉक करते हैं रूम को और फिर खाना खाने आते हैं। भूख लग रही है, दो बज चुके हैं भाई, आ चुके हैं रूम पे फाइनली, अब सोते हैं फिर आपसे मिलते हैं सोने के बाद। भाई बाहर आ गए हैं, अब फिर से खाना वाना खा के अब आइसक्रीम वगैरह खाने चलते हैं। देखो संडे का तैयार, ठंड में आइसक्रीम। भाई आ चुके हैं इस टाइम बाजार में, और रात में कटरा बाजार मेन बाजार जो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो एक बार चेक करो, अच्छी खासी हो रही है, मजा सा आ रहा है, हल्की ठंडी हवा सी, जाम सा बढ़िया सा लग रहा है एकदम। मोमोज आ चुके हैं अपने, देखो मोमोज, ये चलो भाई मोमोज खाते हैं उसके बाद। भाई इस टाइम हम आ चुके हैं डोमिनोज में, है ना, तो ये रे बंस भाई देखो बैठे हुए हैं, मेरा फोन चला रहे हैं है ना, और ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है अपना जो भी है। यार बाहर कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, बाहर आए हैं तो कुछ तो खाएंगे। चुका है अपना पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड, बंस भाई कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं इस टाइम, चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं इस टाइम।
भाई घर की तरफ चल रहे हैं, मतलब रूम की तरफ चल रहे हैं, है ना। हवा भी चल रही है काफ़ी। अब जाके दवाई भी खा ली, अब जाके घर जाके सो जाना है सिर्फ। चलिए जय माता दी। भाई आ चुके हैं कटरा मार्केट से, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। रोना की थोड़ा दूर आ चुका है इस टाइम, थोड़ा दूर पीता है भाई। तो पढ़ गया आके, मैंने भी एडिटिंग की। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।